अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर फाइनली शुरू हो चुका है, जिसका मतलब ये वो हॉलीडे सीजन जिसका मैं पूरा साल इंतजार होता है वो फाइनली आ चुका है। जैसे जैसे हम अक्टूबर में डीप जाते जाएंगे, हमें हमारी प्रिंट ऑन डिमांड की सेल्स में स्पाइक दिन ब दिन बड़ा देखने को मिलता जाएगा। फिर चाहे आप न्यू सेलर्स हैं या पुराने सेलर्स हैं, सभी स्पाइक को नोटिस करेंगे। अब वैसे ये हॉलीडे सीजन होता अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, लेकिन इसमें सारी ही नीचेज, फिर चाहे वो एवरग्रीन हो या ट्रेंड्स हो, सभी इसमें सभी नीचेज में आपको स्पाइक देखने को मिलता है। फिर चाहे वो पेरेंटिंग की हो, एम्प्लॉयमेंट की हो या हॉबीज की हो, सभी नीचेज में आपको स्पाइक देखने को मिलता है, क्योंकि ये हॉलीडे सीजन होता है। हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा होता है, तो हर कोई एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीद रहा होता है। यही वजह है कि ये 3 महीने हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इसमें हमारी सेल्स ऑल टाइम हाई होती है। फिर चाहे आप एवरग्रीन सेल कर रहे हो या ट्रेंड सेल कर रहे हो, हर नीच में ही आपको इसमें स्पाइक देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन 3 महीनों में आप ज्यादा से ज्यादा नीचेज को टारगेट कर रहे हैं, पर चाहे वो एवरग्रीन हो या ट्रेंड्स हो। ट्रेंड्स मैं आपके साथ हर वीक शेयर करता हूं, तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं देखी उनका लिंक मैं ऊपर कहीं दे दूंगा। अभी भी आप जाकर उनको नीचेज को अगर टारगेट करते हैं तो इन 3 महीनों में आप उनमें सेल्स लाजमी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम उन्हीं 5 नीचेज पर फोकस करेंगे जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं या उसके बाद तक टारगेट कर सकते हैं। आप में से जो नए होने में बता दूं, मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेज जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो यह मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स ऑलरेडी खोला हुआ है। अब जैसे कि आप जानते हैं, मजडोमिनेटर मेरा गो टू नीच रिसर्च टूल है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टूल की खास बात है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये हमारे सेलर ट्रेंड्स हैं आज बाय डिफॉल्ट, आज भी मैंने कोई इन पर फिल्टर नहीं लगाया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अभी कौन से हमारे ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। अब अक्टूबर शुरू हुआ है, तो अक्टूबर के ट्रेंड्स में हमें सबसे ज़्यादा स्पाइक देखने को मिल रही है, चाहे वो हेलोवीन हो, इलेक्शन की नीच भी स्टिल ट्रेंड कर रही है, हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ भी अभी तक ट्रेंड कर रहा है। पता नहीं ये डिज़ाइन, शायद ये डिज़ाइन ही कुछ ज़्यादा ही चल गया है। अदर देन इसके डिज़ाइन के अलावा और कोई डिज़ाइन मुझे हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ का ज़्यादा नहीं दिखता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ये डिज़ाइन चल रहा है, ये आइडिया चल रहा है, तो आप भी इसको टारगेट करें। और ये आप देख सकते हैं अभी भी इसमें स्टिल पोटेंशियल है, इसके ऑर्डर्स अभी भी आ रहे हैं। हेलोवीन के अलावा, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की हमारी नीचेज हैं जो कि ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ होता है। और इसके अलावा कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइंस हैं, जो कि ये ब्लैक किंग वाले डिज़ाइन हैं। और इसके अलावा अमेरिका, ये डिज़ाइन, ये खैर ये तो ट्रेडमार्क है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो कि हमारे ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो नीचेज हमारी ट्रेंड कर रही है वो हेलोवीन की है और अक्टूबर की है और इलेक्शन की है। ये नीचेज हैं जो कि स्टिल ट्रेंड कर रही हैं। और ये जैसे जैसे मैं इनको स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको नोट डाउन करें, ताकि वो नीचेज जिनको आपको टारगेट करना है उन्हें आप सेलेक्ट कर सकें यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी आज की बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं जिनको आपको टारगेट करना है इस वीक। इसके अलावा आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है, वो है हेलोवीन। अब अक्टूबर शुरू हो गया है और हेलोवीन जो होता है अक्टूबर 31st को होता है। हाँ, अक्टूबर 31st को होता है, और जिसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी पूरा महीना है हेलोवीन की नीच को टारगेट करने के लिए। हेलोवीन की नीच में वैसे आपसे 1.5 महीना पहले से ही शेयर कर रहा हूँ, सितंबर शुरू हुआ था तब से मैं हेलोवीन की नीच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हेलोवीन की नीच में तब से ही पोटेंशियल था। और अब जैसे जैसे अक्टूबर शुरू हुआ है और जैसे जैसे अक्टूबर डीप में जाता जाएगा, हेलोवीन की नीच हमें हर तरफ दिखेगी। इलेक्शन को भी यहाँ तक हो सकते कि ओवरटेक कर ले, इलेक्शन से भी ज़्यादा हमें ये वाली नीच देखने को मिले। इसलिए मैंने सोचा आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको मस्ट टारगेट करना है, वो हेलोवीन की नीच है। अब हेलोवीन में भी डिफरेंट पर सब नीचेज आ जाती हैं। कोई गेमर को लेकर हेलोवीन की नीच बनाता है, तो कोई ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर बनाता है, तो कोई क्रियोन्स को लेकर बनाता है, कोई गेमिंग स्टिल गेमिंग वाला है और ये भी गेमिंग वाला ही है, और कोई इस तरीके से कॉस्ट्यूम की तरीके से बनाता है। अब ये वाली नीच मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर की थी कि इस तरह के ये मस्टर्ड वाले, कैचअप वाले केलेबल्स जो होते हैं, इस तरह के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और उसका वो आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे उस वक्त कैचअप का डिज़ाइन दिखा था, यहाँ पर देख रहे हैं मस्टर्ड का डिज़ाइन दिख रहा है मुझे। और ये देख रहे हैं किसी ने, ये बनाना का ट्रेंड चल रहा था काफ़ी ज़्यादा पिछले महीने भी चला था, और उससे पहले भी एक मतलब एक ट्रेंड उभर के आया था हमारे सामने। और अब देख रहे हो किसी ने इस पर फनी स्पिन लगा दी है कि बनाना को बूनाना कर दिया, हेलोवीन स्पिन दे दिया बनाना के ऊपर इसने। और इस तरीके से ये ट्रम्पकिन वाले डिज़ाइन भी लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था,
या अभी स्टेल ट्रेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो आज की निच नंबर वन है जिसको आपको टारगेट करना है वो है हेलोवीन। फिर हेलोवीन के अंदर जितनी सब नीचेज आती है उन सारी नीचेज को आपको लाजमी टारगेट करना है, स्पेशली अक्टूबर में। अभी अक्टूबर सिर्फ शुरू ही हुआ है और हेलोवीन हमें इतना दिख रहा है हर जगह पर, लेकिन जैसे जैसे हम अक्टूबर में डीप जाते जाएंगे हेलोवीन के अलावा हमें और कोई निच नज़र नहीं आएगी, हमें काफ़ी डीप जाकर ढूंढना पड़ेगा हेलोवीन के अलावा बाकी निचेस को। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर टू है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। अब जैसे अक्टूबर अभी शुरू हुआ है तो हेलोवीन 31 को है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का पूरा अक्टूबर का महीना ही होता है। तो अभी अगर अक्टूबर शुरू हुआ है तो आज 2 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये कि हमारे पास 29 दिन अभी और भी हैं कि हम इस निच को टारगेट कर सकते हैं। ये निच वैसे साल के 365 दिन ही सेल होगी, लेकिन ये कि अक्टूबर इसका स्पेसिफिक मंथ होता है जिसमें इसकी सेल्स ऑल टाइम हाई होती है। तो अक्टूबर में तो इस निच को आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए अगर साल के 365 दिन आप नहीं भी कर सकते तो। अब ये देख रहे हो जितनी भी नीचे से सारों में एक डिजाइन जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इन अक्टूबर वी वेयर पिंक, अब ये इन दिस मंथ वी वेयर दिस कलर, ये वाले डिजाइन काफी ज्यादा चलते हैं। हर मंथ कोई ना कोई अवेयरनेस मंथ होता है और उस अवेयरनेस का जो भी अवेयरनेस होती है उसका अपने कलर होता है, हर महीने हर एक कलर होता है जो कि ट्रेंड कर रहा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह के डिजाइन के आप टेम्पलेट बना के रख लें इन अक्टूबर वी वेयर पिंक, तो आगे अगर कोई और महीना आता है तो उसके साथ कौन सा कलर ट्रेंड कर रहा है वो आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से ऑटिज्म का जो महीना होता है उसमें ब्लू पेन पहनते हैं लोग, तो आप ऑटिज्म के साथ ब्लू को ट्रेंड वो कर सकते हैं। इस तरीके से आपने साल के 12 महीनों को आपने टारगेट करना है कि ताकि जिस महीने जो भी अवेयरनेस का मंथ आए, जो भी ट्रेंड चले, आपका डिजाइन उसके लिए रेडी हो। इसके अलावा बाकी सेव द बूबीज, और ये तो इसने खैर फनी स्पिन दिया हुआ है, और इस तरीके से ये सारे वो डिज़ाइन हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के जो हमारे ट्रेंड कर रहे हैं आज और आने वाले 29 दिन तक ये ट्रेंड चलता रहेगा। तो मैंने सोचा ट्रेंड स्टेज निच नंबर टू जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ वो ये वाली है। अब ये निच माजी में भी मैं आपके साथ 2 से 3 बार शेयर कर चुका हूँ, तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वो एपिसोड्स नहीं देखी तो आज भी आपके पास टाइम है कि आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ, तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर हैं जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचेस पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देर अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है कमाला हैरिस। अब मैं पिछले 3 महीने से आपको कह रहा हूं कि इलेक्शंस आने वाले हैं और अब फाइनली इलेक्शंस हमारे सर पर आ चुके हैं। नवंबर 2 या नवंबर 5 मुझे कंफर्म नहीं है, रुको मैं सर्च कर लेता हूं। हाँ, ट्यूसडे 5 नवंबर 2024, मतलब 5 नवंबर को इलेक्शंस है, जिसका मतलब आज 2 अक्टूबर है तो हमारे पास 34 दिन है कि अभी हम इस निच को टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक बार फिर से इस निच को आपके साथ रिफ्रेश कर दूं कि कमाला वाली निच जो है वो स्टिल ट्रेंड कर रही है। जब से कमाला अनाउंस हुई है एज अ प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट, ये लेडी जो है वो ट्रेंड ही करती जा रही है और इसने ट्रेंड करते रहना है नवंबर 5 तक तो कन्फर्म। नवंबर 5 के बाद क्या होता है, इलेक्शंस जीतती हैं हारती हैं वो बाद की बात है, लेकिन जब तक नवंबर 5 नहीं आ जाता तब तक ये ट्रेंड हेलोवीन के बराबर ही ट्रेंड करता रहेगा। तो आज की जो हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है कमाला हैरिस या फिर हैरिस वॉल्स, कमाला हैरिस या इनकी पार्टी से रिलेटेड जितने भी डिजाइन हैं उन सबको आपको टारगेट करना है क्योंकि इन सब में पोटेंशियल है। अब ये देख रहे हो सिर्फ कमाला 47 वाला ट्रेंड कर रहा है और ये हैरिस वॉल्स वाला है जो ट्रेंड कर रहा है, इसी तरीके से सारे ही इनकी पार्टी के डिज़ाइन जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस निच को आपको लाजमी टारगेट करना है एटलीस्ट नवंबर 5 तक, हो सकता है बाद में इलेक्शन जीत जाए तो फिर ये ट्रेंड 4 साल तक चलता ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है कमाला हैरिस। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है कॉस्ट्यूम्स। अब हेलोवीन आ रही है आगे और हेलोवीन में हेलोवीन पार्टीज होती हैं, हेलोवीन पार्टीज में हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अब वो दौर गया कि लोग जो है कोई फैंसी से कॉस्ट्यूम्स बना के हेलोवीन पार्टीज़ में वो पहन के जाएं, अब लोग सिंपलिसिटी पसंद करते हैं और सिंपलिसिटी भी ऐसे कि एक टी शर्ट खरीद ली हेलोवीन की कॉस्ट्यूम स्टाइल में। अब वैसे तो लोग रैंडम हेलोवीन की टी शर्ट्स खरीद लेते हैं हेलोवीन पार्टीज़ के लिए, लेकिन इस तरह के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उस तरह के डिज़ाइन भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जिसमें पंपकिन फेस बनाया हुआ है
और ये सिक्स पैक्स बनाए हुए हेलोवीन स्टाइल में गेमिंग कंट्रोलर से, और ये क्रियोन स्टाइल कई जो टी शर्ट है, और इस तरीके से ये मस्टर्ड और ये क्या नाम है सॉस बॉटल की लेबल की तरह का कॉस्ट्यूम है, और इस तरीके के ये भी देखो ये किस चीज़ का है, ये मेरे ख्याल से अगर इसको पढ़ू डॉग फैमिली कॉस्ट्यूम, ये तो पता नहीं क्या है। अच्छा ये डॉग के इसको बनाया हुआ कॉस्ट्यूम, और इस तरीके से देख लो ये भी वही है, और ये हेलो वो क्या नाम है यूनिकॉर्न है, और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम स्टाइल की टी शर्ट्स लोग पहनते हैं। अब वो दौर गए कि लोग फैंसी टाइप के इतने बड़े बड़े कोई कॉस्ट्यूम पहने खरीदे, वो कॉस्ट्यूम खैर बाय द वे महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये टी शर्ट ज़्यादा से ज़्यादा $20 की मिलेगी, तो लोग एक तो सस्ते में कॉस्ट्यूम मिल जाता है उनको, तो इस तरह के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, स्पेशली हेलोवीन जैसे जैसे करीब आता जाता है, हेलोवीन पार्टीज़ करीब आती जाती हैं, तो इस तरह के डिज़ाइन में इस तरह के ट्रेंड्स में हमें काफ़ी स्पाइक देखने को मिलती है। तो आज की जो हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ये डिज़ाइन। अब मैं वैसे आपके साथ निच नंबर 5 शेयर करना चाहता था, एक निच हो जिसको आप पूरा टारगेट कर सकें, लेकिन ये एक डिज़ाइन तो जो मेरी नज़र के सामने से गुजरा जिसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, टर्टल के ऊपर वाटर कलर इफेक्ट्स दिए हुए हैं। अब जब से ये AI से डिज़ाइन क्रिएट करने वाले जो ट्रेंड हमारे सामने उभर के आया है कि मतलब AI टूल्स ये हमें प्रिंट ऑन डिमांड के लिए डिज़ाइन बना देते हैं, उसके बाद से इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने ट्रेंड कर रहे हैं। अब इसको मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सर्च करूं कि इस निच को मैं आपके सामने निकाल सकूं और इस तरह के आइडियाज़ आपके लिए निकाल सकूं, तो मैंने सोचा कि इस डिज़ाइन को ही निकाल के आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि ये जो डिज़ाइन टाइप है, अब इसको अगर मैं बहुत ही ज़्यादा जूम कर ली, हाँ यूँ, अब ये जो डिज़ाइन टाइप है वाटर कलर इफेक्ट वाला, ये देख रहे टर्टल के ऊपर वाटर कलर इफेक्ट दिए हुए हैं। अब अगर ये कोई आम बंदा बनाने बैठे तो इसमें हफ्ता आपको आराम से लग जाएगा, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स देने पहले तो ये आइडिया ही क्रिएट करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन AI से इसको आप बनाते हैं तो आप AI से इस डिज़ाइन को 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डिज़ाइन को आपके लिए AI से बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इस डिज़ाइन को आपको AI से बनाना भी सिखा दूंगा। और बेसिकली इस डिज़ाइन को शेयर करने का मकसद ये है कि इस तरह की जो डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, ये तो कछुए वाला है, कुछ अर्सा पहले इस तरह का एक डिज़ाइन बिल्ली के साथ था, एस्ट्रोनॉट के साथ था, और इसके अलावा डॉग के साथ भी मैंने एक देखा था, और फिशेस के साथ भी काफ़ी मैंने इस तरह के डिज़ाइन देखे। एक्सेलोटल जो एक नया एनिमल है, एनिमल तो खैर नहीं कह सकते, वाटर एनिमल आप उसको कह सकते हैं, वो जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है उसको भी मैंने इस तरीके से देखा था। तो कहने का मकसद ये कि आजकल कोई भी नया करेक्टर कोई भी एनिमल उठाकर उस पर इस तरीके का इफेक्ट लगाना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो यही वजह है कि आज मैंने सोचा ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इस तरह के डिज़ाइन टाइप जो है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर कोई आइडियाज़ हैं आपके पास, कोई एनिमल है जिस चीज़ को आपको टारगेट कर रहे जिस चीज़ को आपको टारगेट करना चाहते हैं, तो इस तरह का स्पिन ऑफ आप उस पर लगाकर, इस तरह के वाटर कलर इफेक्ट लगाकर आप उसे सेल कर सकते हैं, इसमें आजकल काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और इसी के साथ ये थी हमारी आज की वो 5 नीचे जिनको आपको टारगेट करना है, और इस जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियो की शुरू में प्रॉमिस किया था, एक नीचे मैं आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें, वो नीचे हमारी आज की है ये वाली। अब नीचे तो नीचे को आप डिज़ाइन कह सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को अगर आप मैं जूम करता हूँ तो जूम हो जा, हाँ ये है क्या है, हैग्रिड्स पंपकिन फार्म मैजिकली ग्रोन। अब इस डिज़ाइन को अगर आप देखें, अगर आप में से किसी ने हैरी पॉटर की सीरीज़ को फॉलो किया हो तो ये डिज़ाइन बेसिकली हैरी पॉटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। अब जिसने भी ये डिज़ाइन लगाया, इसको मैं जूम आउट वापस करता हूँ, तो इसने बड़ी चालाकी के साथ इस डिज़ाइन को बनाया। हैग्रिड एक नाम है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पंपकिन फार्म मैजिकली ग्रोन। अब इस बंदे ने एक आइडिया निकाला है हैरी पॉटर की मूवी सीरीज से ही, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हैग्रिड के बाहर जो होता है पंपकिन फार्म लगा होता है हर वक्त, तो ये कि वहाँ से इसने आइडिया उठाया हुआ है। अब हेलोवीन हमारे सामने आगे आ रहा है, तो इसने हेलोवीन पंपकिन का ट्रेंड हमें सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलता है क्योंकि पंपकिन की डिमांड होती है, तो इस बंदे ने इसी का एक नया डिज़ाइन बना दिया हैग्रिड पंपकिन फार्म। और अगर इसको आप देखो तो वैसे तो ये डिज़ाइन सेफ टू सेल है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हैरी पॉटर से लिया गया रेफरेंस है, हैरी पॉटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। अब ये जो बंदा इस डिज़ाइन को सेल कर रहा है, अब पता नहीं कि ये इनका ऑफिशियल मर्चेंडाइजर है या फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। मैंने इसकी जब डिस्क्रिप्शन पढ़ी, डिस्क्रिप्शन में भी इसने कहीं कोई मेंशन नहीं किया कि ये ऑफिशियल मर्चेंडाइजर है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको रिसेंटली चेक किया तो ये देख रहे हैं 5 सितंबर को ही ये डिज़ाइन अपलोड हुआ है, जिसका मतलब ये कि अभी महीना भी नहीं हुआ इस डिज़ाइन को अपलोड किए हुए। तो अगर ये बंदा इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है तो ये डिज़ाइन ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, लेकिन अगर इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर रहा, ऑफिशियल मर्चेंडाइजर है, तो आइडिया बड़ा काम का है, लेकिन आप इसको कॉपी नहीं कर सकते और ना ही आपको इसको कॉपी करना चाहिए, क्योंकि
ये बंदा ऑफिशियल मर्चेंडाइजर है, आप नहीं है। अगर आप इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट करेंगे तो आप अपने अकाउंट ही सस्पेंड करवा बैठेंगे। तो ये हमारा आज का वो डिज़ाइन, वो आइडिया, वो नीड जिससे आपको दूर रहना, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर नीचे के रिलेटेड या इवन मेरी पुरानी वीडियोज़ के रिलेटेड आपके कोई सवाल आता है तो मुझसे zamanasnbc@gmail.com पर आप तभी कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि YouTube के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं सीरीज की कोई नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में नहीं, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं समान, अल्लाह हाफिज़।